अनन्या बेदी, बात करेंगे बजट को लेकर। बजट से आम लोगों को तमाम उम्मीदें हैं, लेकिन बजट से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसके हाथ मायूसी लगेगी और किस वर्ग को खास तौर पर ये कह सकते हैं कि फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से, इस पर सभी की नजर रहेगी। आम बजट पेश होने में 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ये आम बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट होगा और इस बजट में भारत के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार भी इसी बजट से अपने 2047 के विकसित भारत विजन का खाका खींचने की कोशिश करेगी। भारत को तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस करेगी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के विजन का ऐलान भी कर सकती है। इधर आम बजट से भारत के आम इंसान ने भी बेतहाशा उम्मीदें लगाई हुई हैं। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में छूट देकर उन्हें बड़ा तोहफा देगी। किसानों को उम्मीद है कि सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर उन्हें राहत देगी। महिलाओं को स्पेशल टैक्स स्लैब की आस लगी हुई है और युवाओं को उम्मीद है कि सरकार का फोकस नौकरियां देने पर रहेगा। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार सस्ते घरों का ऐलान कर उन्हें राहत देगी और घर खरीदने का सपना पूरा करेगी। वहीं बुजुर्गों को उम्मीद है कि आम बजट से बुजुर्गों के सस्ते इलाज का वादा किया जाएगा। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों ने भी आम बजट से उम्मीदें लगाई हुई हैं और डिफेंस सेक्टर को भी उम्मीद है कि सरकारी बजट में बढ़ोतरी कर सेनाओं को आधुनिक बनाने पर फोकस करेगी। लेकिन इस बजट में इसकी कितनी उम्मीदें पूरी होने की संभावना है? क्या सभी की उम्मीदें पूरी होंगी या फिर क्या मिडिल क्लास एक बार फिर मायूस रह जाएगी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आम बजट से आम आदमी उम्मीदें लगाए बैठा है। मोदी 3.0 के पहले बजट से उम्मीदें भी बेतहाशा लगी हुई है। हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से उनके लिए योजनाओं का खजाना खुल जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं आएंगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी और मनरेगा में कृषि से जुड़े काम भी जोड़े जाएंगे। किसान बहुत सारी आशाएं लगा के बैठे हुए हैं। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का गुजर चुका है। किसानों को जो कुछ लाभ मिला उसके लिए किसानों ने उनका स्वागत भी किया। आज अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहा है। मगर जिस उम्मीद से किसान आशा लगाए बैठे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी को विशेष तौर पर किसानों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में पहला बजट आ रहा है, इससे काफ़ी खासी उम्मीदें हैं हम लोगों को। जैसे कि देखिए, जो खाद में रेट बढ़ा हुआ है और खाद कम 45 किलो का कट्टा आ रहा है, मैं इसमें मांग करूंगा आदरणीय मोदी जी से कि इसका रेट किलो 50 किलो पूरा किया जाए और इसका रेट कम किया जाए। और दूसरी बात है, हमारे जो भी नहरें हैं, यहाँ हमारे लखनऊ में राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इस शारदा खंड 2 एक लखनऊ नहर आई है, इसमें पानी कभी भी नहीं आता है, जिससे खास किसान हमेशा मायूस रहता है। आम बजट से महिलाओं ने भी बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। महिलाओं को उम्मीद है कि रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर मिलेगा, जबकि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने का कोई मंत्र भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से बाहर निकलेगा। उधर नौकरी पेशा महिलाओं को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में उनके लिए अलग से प्रावधान होगा, महिलाओं को टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। कामकाजी महिलाओं को उम्मीद है कि उनके लिए पेड लीव बढ़ाई जाएंगी। आम बजट से बहुत कुछ मेरी अपेक्षाएं हैं, जैसा कि अभी एक गृहिणी अपने हर तरह से घर को संतुलित करके चलती है, पर जो है कि खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका बजट वो कितना भी बैलेंस करना चाहे, वो बजट उसका हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं ने भी बजट से बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। युवाओं को उम्मीद है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता है रोजगार की। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में रोजगार बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा, रेलवे में खाली पदों को भरने का ऐलान होगा, कौशल विकास का दायरा बढ़ाकर युवाओं में नया जोश भरा जाएगा। हर बजट में जो ध्यान रखा जाता है वो गरीब वर्ग का ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उच्च वर्ग को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इस बार बजट का मिडिल क्लास का ज्यादा ध्यान रखते हुए 6
शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिससे आशा है मध्यम क्लास के व्यापारियों को कुछ फायदा दिया जाए, इनको न तो किसी तरह का इंश्योरेंस का फायदा, आज किसी के नुकसान हो जाता है इनको फायदा नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ होता वो एक्सीडेंट होता तो उनको सबको फायदा मिलता, व्यापारी को भी फायदा मिलना चाहिए। आज व्यापारी कितना इनकम टैक्स देता है इस पे कोई स्कीम लानी चाहिए और एक इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ानी चाहिए। डिफेंस सेक्टर ने भी बजट से खासी उम्मीदें लगाई हुई है। जवानों को उम्मीद है कि अग्निवीर योजना में किसी बड़े बदलाव का ऐलान होगा। सेना को उम्मीद है कि उन्हें आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अलग से बजट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर को उम्मीद है कि बजट में 10% तक बढ़ोतरी होगी। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ किया जाएगा। मेक इन इंडिया हथियारों को खरीदने के लिए अलग से बड़ा फंड मिलेगा। हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट जरूर कम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, जो मेक इन इंडिया के तहत जिनको जिनके ऊपर बजट बढ़ाना वो भी एक एंगल है जिसको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके इनोवेशन का बजट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो तीनों सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके बीच में उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से कैपिटल अलॉटमेंट होनी चाहिए। उधर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार का फोकस गांव और कस्बों तक हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने पर होगा। साथ ही गरीबों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर भी सरकार फोकस करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो और उसमें छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांव में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बड़े कस्बे में जाने का ज़रूरत नहीं हो। प्लस जो नया नया मेडिकल चालू तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर अभी सुविधाओं का उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए सुविधा उपलब्ध हो। एजुकेशन, हेल्थ और फूड, सो सरकार सब प्रयत्न कर ही रही है लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी भी रिमोट एरिया में जो अपने सरकारी हेल्थ सिस्टम है वो है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करना, सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराना और छोटे छोटे सेंटर पे सिस्टम है, डॉक्टर्स है, कभी कभी कुछ जगह पे डॉक्टर नहीं होते वो भी है, लेकिन वो ज़्यादा जो सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, उसके पीछे एक्सपेंसेस बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीदें तो बहुत है, नौकरी पेशा लोग सालों से टैक्स में छूट का इंतजार देख रहे हैं लेकिन हर बार खाली हाथ ही रह जाते हैं। लिहाजा इस बार नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि जब लाल बैग खुलेगा तो नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास को थोड़ी राहत जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, MJ खान चेयरमैन ICFA हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा चर्चा करने के लिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नसीर सलीम। मिताली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, आम बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं लेकिन इस बार का बजट क्या लग रहा है आपको, कितना खास होने वाला है और किस वर्ग को खासा राहत पहुंचाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे आज बुलाने के लिए। और अगर हम इस बजट की बात करें तो पिछले बजट में अगर हमें याद होगा तो एक एक्रोनिम ज्ञान करके निर्मला सीतारमन जी ने दिया था, गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, और ये जो सारे डिफरेंट वर्ग के लोग हैं इन सबको ही मुझे लगता है इस बजट में भी बहुत आश्वासन मिलेगा, बहुत नई चीजें मिलेंगी जो कि पिछले बजट में, मतलब जो कि 6 महीने पहले ही अनाउंस हुआ है, उसकी एक कंटिन्यूटी में मुझे लगता है चीजें आगे चलेंगी। मुझे ये भी लगता है कि इस बजट में मिडिल क्लास पे फोकस किया जाएगा जो कि लास्ट बजट में उतनी तरह से नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पे एक एक फोकस था गरीब पे, गरीब वर्ग पे, इस बार मिडिल क्लास पे भी फोकस किया जाएगा। और तीसरी चीज जो मैं एम्फसाइज करती हूँ, जो कि हर बजट में पिछले 10 सालों के अगर हम बजट्स को एनालाइज करें तो हर बजट में एक एक ही कैटेगरी है जिसमें एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ा है और वो कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हर साल हम देख रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर बढ़ा है और इनफैक्ट मार्च के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 11% बढ़ा था,
और 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंडिंग अनाउंस हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब भी, क्योंकि आपने जो ये वीडियो भी अभी दिखाया, वो सारी जो समस्याएं आप दिखा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से ही रिजॉल्व हो सकती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की समस्याएं हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की समस्याएं हो, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो पानी की हो। तो ये सारी जो समस्याएं एकदम लिंक्ड है और सारे कॉमन पर्सन को, हम सबको, आम आदमी को, आम औरत को इम्पैक्ट करती है, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। और मुझे ये लगता है कि इस बार फोकस इस पे रहेगा। और एक और सेक्टर मैं लास्ट में हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो है अर्बन और सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सालों से हमने ऑफकोर्स रूरल एरियाज पे एक फोकस देखा है और वो हमेशा कंटिन्यू भी करेगा, एग्रीकल्चर भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन मुझे लगता है इस बजट में सिटीज और अर्बन डेवलपमेंट पर भी एक स्पेशल फोकस हम देख सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सिटीज और अर्बन डेवलपमेंट पर भी एक फोकस जो है वो किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर कल्चर, क्योंकि किसान भी देख रहे हैं राह कि उनके लिए भी कुछ खासा ऐलान हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो या फिर जो खेती से जुड़े सामान हैं उनमें कुछ फ़ायदा जो है वो उन्हें मिले। राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट जो है, हमने देखा है आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमने देखा है डिफेंस को लेकर बजट जो है वो हर बार बढ़ाया गया है, इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम बात करें, रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें? देखिए, आपकी नज़र में लेके जाऊंगा इंटरिम बजट के ऊपर। जब हमको अभी जो इंटरिम बजट 2024 का मिला है उसमें 6.21 लाख करोड़ डिफेंस बजट है, जो पिछले साल से 4.72% इंक्रीज है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे डिफेंस बजट का मेजॉरिटी जो हमारा जो हिस्सा है वो पेंशन्स में और सैलरीज में चला जाता है, और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग से एक आपको फोकस रखना पड़ेगा। अब आप देखिए 6.21 लाख करोड़ में से 1.72 लाख करोड़ आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर या आपकी जो कैपिटल एक्विजिशंस के ऊपर रखा गया है। तो अभी जो भी बजट आप डिफेंस को देना चाहते हैं, आपको पहली चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है, कहाँ से आपको थ्रेट आ रहा है, और उस थ्रेट को दूर करने के लिए आप अपनी फौज को कैसे सक्षम करना चाहते हैं। तो आज के हालात में आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना का जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और जिस टाइप के आधुनिक वेपन साइबर और स्पेस के, अगर आप उसको डेवलपमेंट खास तौर पे मैं इसमें फोकस अगर करूं, तो आप अपनी फौज को कंपेयर कीजिए और उनके पास क्या है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो एक फोकस कभी नहीं रहा है इस बजट में, और मैं चाहता हूं कि इस बार निर्मला सीतारम उस पर फोकस करें, वो है रिसर्च और डेवलपमेंट। कोई भी फौज में अगर डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर आप ज़्यादा फंड्स अगर देंगे, तो आप देखेंगे जो भी टेक्नोलॉजी है हमको उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने कंट्री में ही उस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। और इसमें आप इस चीज़ को DRDO पे छोड़ना एक वाइज डिसीजन नहीं होगी। आपने ऑलरेडी देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने DRDO के रिफॉर्म्स ऑर्डर कर दिए हैं, तो एक इंडिकेशन जो आ रही है मुझे कि अभी रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का मैं एक लार्जर रोल देखता हूँ। दूसरा जो एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है हमारे देश में, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो खाली GDP को 15% कंट्रीब्यूट करता है, और अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का ऑलमोस्ट 32%, और चाइना के जो गुड्स हैं आप जानते हैं 150 से ज़्यादा कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, और इसीलिए चाइना के पास ज़्यादा पैसा है अपने डिफेंस पे खर्च करने के लिए। तो हम अगर अपने डिफेंस को ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, आज हमारा जो
डिफेंस का बजट है वो है 1.9% ऑफ द जीडीपी। अभी मैं चाहूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू रक्षा मंत्री को के आप और फाइनेंस मिनिस्टर को के हमारा ये 1.9% से एटलीस्ट आप इसको 2.2% तक लेके जाइए और अगले 5 साल में इसको 2.5% तक लेके जाइए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज जिस टाइप का थ्रेट भारत आने वाले वक्त में देखेगा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ सालों के अंदर ही एक लड़ाई, एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है चाइना के साथ। तो अगर हम अपनी फौज को स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट देना चाहते हैं, आज आपको मैं कुछ आंकड़े आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज हमारी फौज के पास 64% विंटेज इक्विपमेंट है और 24% करंट इक्विपमेंट है और जो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है वो खाली हमारे पास 8-10% है। तो अगर हमने अपनी फौज को मजबूत करना है तो ये स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जो हमारी ये फौज में होना चाहिए। आज आप देख लीजिए कि जो भी मेजर वेपन प्लेटफॉर्म है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, वो ऑलरेडी 20 से 25 साल पुराने प्लेटफॉर्म्स को हम मेंटेन कर रहे हैं। आप T-70 टैंक्स ले लीजिए, T-90 देख लीजिए। सो मैं ये उम्मीद रखता हूँ गवर्नमेंट से कि मैंने इस ये मानता कि आप डिफेंस को टोटली आप उसको बढ़ा दे बजट, बिकॉज आपने बाकी भी क्षेत्र में भी आपको देना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया जैसे आपने बताया, बट ये एक ग्रेजुअल। चलिए राजन कुचो जी, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच मिडिल क्लास की क्या उम्मीदें हैं इस आम बजट से, मिडिल क्लास का इस पर क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। पहली बात तो बजट में ये है कि मतलब जैसे मान लो कभी पढ़ाई कर रहे, इतना साल पढ़ाई कर रहे, कुछ भी कर रहे, पहले तो पेपर ही लीक हो जाए तो आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से मान लो कहीं बढ़ भी गए, एग्जाम क्रैक भी कर लेते तो आगे इंटरव्यू देने में फिर वो लोग रहते कि भाई इतना भरो तो आप इंटरव्यू में पास हो गए, इंटरव्यू पास करके भी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर पढ़ने का क्या अपना वो है। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत अपेक्षा है क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, एजुकेटेड लोग है, उसको नौकरी नहीं है, जो छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाते हैं उसके हिसाब से घर चल नहीं पाता है। महंगाई हर चीज़ में महंगाई है, जो कोई पढ़ने के लिए बाहर जाता है उनको के लिए कोई जॉब नहीं मिलता है तो वो लोग वापस आ जाते हैं। ये चाहती हूँ कि हमारे जो कॉलेज या स्कूल की फीसें हैं बहुत ज़्यादा है, जो कि जो पुअर पीपल है, जो मतलब गरीब है, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये चाहते हैं कि मतलब सरकार कम से कम थोड़ी बहुत तो हमें राहत दे। मध्यम वर्ग के हमारे यही अपेक्षा है कि हमारे जो गरीब वर्कर हैं, गरीब लोग के जो हैं, उनको जैसे सब्जी है, तेल है, गैस है, कोई भी चीज़ धंधा करने जा रहे हैं उसके लिए मतलब बलात्कार आए दिन हो रहा है, आए दिन महंगाई के लिए फांसी लगाए जा रहे हैं आदमी, और इतना तकलीफ हो रही है कि हर एक चीज़, रोटी दाल प्याज जो था वो भी महंगा, शक्कर महंगा, सारी चीज़ महंगा है, तो पब्लिक खाएगी कैसे। बजट में सबसे पहले तो जो घर चलाने का बजट है उसको सरकार ध्यान में दे, बाकी सब तो ठीक है। सबसे पहले जो घर के घर को चलाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसके पीछे पहले सरकार जो है ध्यान दे। तो मिडिल क्लास को आपने सुना, क्या कुछ उम्मीदें हैं मिडिल क्लास को। एमजे खान, चेयरमैन ICFA भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमजे खान साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार के बजट से, खास तौर पर मिडिल क्लास को सेलिब्रेट क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए। मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है सस्ते में अनाज एंड सब्जियां मिले और दूध मिले, क्योंकि 46% जो टोटल एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स पे है। तो अगर ये सस्ता होगा तो सबसे ज़्यादा राहत उससे मिलेगी। और इसको सस्ता करने के लिए जो ज़रूरत है वो है कि एग्रीकल्चर को कितना सपोर्ट इस बजट से भी दिया जाता है। एक लेसन तो गवर्नमेंट को मिल चुका है क्योंकि किसानों ने रिलेटिवली कम NDA गवर्नमेंट में मेन BJP है और इनके पार्टनर्स को वोट किया है, तो इस वजह से अभी 3 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो बड़ी एग्रीकल्चर काफी
इम्पॉर्टेंट है एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 50% आबादी किसान है। तो वित्त मंत्री जी के साथ में बड़ी लंबी चर्चा हुई थी कि एग्रीकल्चर का बजट कैसा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो R&D पे बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। 0.6% एग्रीकल्चर GDP का हम लोग R&D पे खर्च कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में 1.1-1.2% है। तो हम लोगों ने कहा 9,500 करोड़ जो ICR का बजट है उसको कम से कम 20,000 करोड़ करें। तो एक तो ये था, दूसरा है कि एक्सपोर्ट हम लोगों का नहीं, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, और सेकेंड इनिंग में प्राइम मिनिस्टर का जो पहला पब्लिक स्टेटमेंट था वो ये था कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $100 बिलियन ले जाने का 2025-26 तक, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर तो उस मामले में पूरी वैल्यू चेन दुरुस्त हो जाएगी। तीसरा है इसमें सबसे ज़्यादा कि किसानों को कैसे ज़्यादा पाई का हिस्सा मिले जो कंज्यूमर स्पेंड करता है, इसका मतलब कि बेटर कनेक्ट प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के साथ में होना लाजमी है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, और उसके लिए जो वैल्यू चेन डेवलप करना है ताकि जो वैल्यू एडिशन हो, सप्लाई चेन ताकि वेस्टेज कम हो, तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैक्सिमम स्पेंडिंग की ज़रूरत है इस टाइम पर। तो एग्रीकल्चर में मुझे लगता है कि इट इज़ ए गुड पॉलिटिक्स, इट इज़ ए गुड इकोनॉमिक्स इफ देयर इज़ ए ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। R&D बजट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जिसमें खास करके वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन का। तो ये तीन मेजर एरियाज हैं जिसपे जो रिफॉर्म्स का एजेंडा लॉन्ग ओवरड्यू है उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिफॉर्म्स है, फूड सब्सिडी का रिफॉर्म्स है, तो जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है एग्रीकल्चर में उसको टेकअप करने, तो चार एरियाज पे हम लोगों का इंफेसिस ज्यादा था वित्त मंत्री की बैठक में। ठीक है, आकाश जिंदल वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, अब क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जब हम मिडिल क्लास की सैलरीड क्लास की बात करते हैं तो सभी की नज़रें आके टिक जाती हैं टैक्स स्लैब पर, क्या लग रहा है इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो सकता है? जी हाँ, इस बार टैक्स स्लैब में काफ़ी बदलाव होने की संभावना है, काफ़ी जो है तोहफे आम आदमी को मिलने की संभावना है। कारण क्या है, इस बार सरकार बैटिंग पिच पे है, सरकार के पास फंड्स पहले के मुकाबले अच्छे हैं। एक तो RBI की तरफ से सरकार को बहुत बढ़िया डिविडेंड मिला है 2.1 लाख करोड़ का। दूसरा, टैक्स कलेक्शन की बात करें, यहाँ मैं सरकार की सराहना भी करूँगा, टैक्स कलेक्शन हैज बीन वेरी गुड। नाउ इफ यू सी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 GST कलेक्शन ऑन अ ग्रॉस बेसिस हैज बीन वॉपिंग 2.1 लाख करोड़। तो टैक्स कलेक्शन अच्छी है, RBI से डिविडेंड आया हुआ है, ओवरऑल इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छी है, और डेफिसिट भी कुछ हद तक मैनेज्ड है। तो इस बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.com का मानना है आम आदमी को काफ़ी लड्डू पेड़े सौगात मिलने की संभावना है। अब जो मेरे कैलकुलेशन है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स की बात करें तो एग्जेम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में स्लैब कह दिया जाता है, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, एग्जेम्पशन लिमिट 1.5 लाख तक बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हर एम्प्लॉय को प्रिय होती है, वहाँ संभावना है कि 30,000 का और कंसेशन मिले। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए स्टैंड अलोन एडिशनल 50,000 की एग्जेम्पशन लिमिट आने की संभावना है। उसके बाद आ जाइए आप हाउसिंग पे, इस सरकार का नारा रहा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, और उसका फायदा भी हुआ है, लोगों को अपने घर खरीदने का मौका मिला है। तो ऐसे में हाउसिंग को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर घर तो हाउसिंग लोन पे लिए जाते हैं, हाउसिंग लोन में दो तरह के प्रोविजन आने की संभावना है। हाउसिंग लोन में पहला कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल, 80C सेक्शन के अंडर आता है, तो वहाँ 50,000 की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है। दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट, और वो सेक्शन 24B के अंडर आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउसिंग लोन्स टिपिकली आर लॉन्गर ड्यूरेशन लोन्स, 14 ईयर 16 ईयर, तो वहाँ 1 लाख की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। उसके बाद आ जाइए आप हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम सारा दिन में नेशनल चैनल्स पर रहता था, हम सब ने देखा है किस तरीके से इलाज, कई ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक होता है, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्रोविजन ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर खरीदें, ताकि दुर्भाग्यवश भगवान ना करे उनके परिवार में इस तरह की बीमारी आ जाए तो उसका इलाज करा सकें। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एग्जेम्पशन आने की संभावना है। ये वो ठीक है, बोलिए। मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, पहले मैं संभावनाएं लिस्ट करता हूँ। किसान भाइयों के लिए जो किसान सम्मान निधि है वो 12,000 होने की संभावना है, साथ ही इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम आने की संभावना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़ा एलोकेशन आने की संभावना, और सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम उम्मीद कर रहे हैं गृहिणी के लिए, मैन ऑफ द रोड के लिए, किसान के लिए, वो है डीजल प्राइसेस में 5 रुपए की कटौती की संभावना। देखिए डीजल प्राइसेस में दो तरह के टैक्सेस आ जाते हैं,
पहला सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा जो स्टेट चार्ज करती है। आकाश आप हम ग्रेड ए ऑफिस एंड रिटेल स्पेसेस एट एस